दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, चार में से तीन सीटें जीती। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी का कब्जा, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद एनएससीयूआई ने जीता। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के एनजीओ ने राजीव गांधी ट्रस्ट को दिया था 50 लाख रुपए का चंदा। खुलासे के बाद बचाव में आई कांग्रेस, कहा वापस लौटा दिया था पैसा, लेकिन आईआरएफ ने कहा नहीं मिली रकम। 11 साल बाद जेल से छूटा आरजेडी का बाहुबली शहाबुद्दीन। जेल से निकलते ही नीतीश पर साधा निशाना, कहा लालू यादव ही हमारे नेता, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव ने फार्म हाउस में तीन नाबालिग लड़कियों से रेप, तीनों आरोपी फरार। मजदूरी का पैसा देने के बहाने फार्म हाउस बुलाकर दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 10 किलो का आईडी सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। कोटा इलाके में सुरक्षा बलों पर हमले का खतरा। रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले मरियप्पन पर इनामों की बौछार। तमिलनाडु सरकार ने किया 2 करोड़ देने का ऐलान। खेल मंत्रालय भी देगा 75 लाख रुपए। बड़ी उपलब्धि है, हमारे खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है।